हाय गाइस, वेलकम टू द पाकिस्तानी फैमिली एंटरटेनमेंट। तो कैसे हैं आप? मेरा नाम है खुर्रम और मेरा नाम है वजाहत। तो यार दक्ष जी ने अपनी शक्ति दिखानी है शुरू कर दी। अभी तक तो भाई उन्होंने अग्नि और भाई पृथ्वी को दिखाया है भाई, और भाई क्या भाई उसको वो चावल के वो जो सिट्टा सा था उसको कैसे जलाया उन्होंने, और भाई किस तरह वो निकला हो उसने। अब आगे देखते आगे होता है क्या। तो कहना ऑन करते हैं स्टार्ट। ये सर्वशक्तिशाली तत्व तुम्हारे पिता के समक्ष इनकी क्या दशा? जानी लेकिन माँ देव के सामने तो कौन है इस संसार में जो मेरी पुत्री को क्षति पहुंचाने में सक्षम हो? नहीं, इतना सामर्थ्य किसी में नहीं। ओहो, तो फिर शिव और उनके मत के लोग मेरे साथ ही क्यों? उनको नहीं दे सकते दक्ष जी। तुम्हारे उद्यान में जो पौधे, यदि उन्हें कोई क्षति पहुंचाए तो तुम्हें कैसा लगेगा? अत्यंत पीड़ा होगी पिताजी। इसका अर्थ यह हुआ कि तुम्हें पीड़ा पहुंचाने के लिए मैं तुम्हारे पौधों को क्षति पहुंचाऊं, है ना? उसी भांति तुम्हें क्षति पहुंचाकर वो लोग मुझे पीड़ा देना चाहते हैं। क्यों देना चाहेंगे भाई? मैं तो ऐसी सोच ही नहीं। अब कौन आएंगे? वायु। वायु वायु, यदि तुम में शक्ति है तो उड़ा ले जाओ इस तिनके को। भाई देखो ये पूरे ड्रोन में वायु तेज तूफान। और ये चिन्ह का भी तक नहीं उड़ा। नहीं भाई, इन्होंने अपने हाथों से ये चीज पकड़ी है ना, तो मेरे उधर रखी है। तो फिर सती, अब भी भय है? अब कोई भय नहीं पिताजी। आप भी कुछ नहीं कर सकते। पर जो कुछ भी हो रहा है उसका अंत कब होगा? बस यही तो वो चाहते हैं कि तुम थक जाओ, हार जाओ, टूट जाओ। और अगर एक बार तुमने ये ठान लिया कि तुम उनके बहकावे में नहीं आओगे, उनकी चाल से व्याकुल नहीं होगे, बस उसी दिन ये सब कुछ बंद हो जाएगा। सामने कुछ भी नहीं है जो बनाने वाले हैं। नहीं समझी? याद करो उस दिन जब तुम दधीची के आश्रम पहुंचे, क्या तुम वहां अपनी इच्छा से पहुंची थी? क्या तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा था जैसे तुम्हें कोई अपनी ओर खींच रहा है? वही उनकी पहली चाल थी। और चाल कुछ नहीं, उसके बाद दधीची ने तुम्हें उल्टा सीधा ज्ञान देकर भ्रमित किया। ये इनको दिखा रहा है। दधीची ने तुम्हें इतना भयभीत करके भेजा कि अपने पिता के सम्मान के लिए तुमने उस शिवलिंग की स्थापना कर दी। तो वो मूर्ति हिल गई। शिव का प्रकट हो ताकि वो तुम्हें अपनी ओर खींच सके, अपनी ओर आकर्षित कर सके। यहां तक कि तुम जब अपना प्रायश्चित कर रही थी तो वो जानते थे कि तुम्हारी मानसिक स्थिति ठीक नहीं, उन्होंने उसका भी लाभ उठाया और तुम्हें भ्रमित करने के लिए
चाले चलते गए ताकि तुम टूट जाओ। अबे ऐसा नहीं यार। और तुम्हें इतना हताश कर दिया कि तुम अपना सद्बुद्धि खो बैठी, विष्णु की जगह शिव का नाम लिख दिया और तुम्हें पता ही नहीं चला। और फिर नंदी को यहां भेजना, ये सब उनका षड्यंत्र नहीं है तो और क्या है पुत्री, क्या है? आप ठीक कह रहे हैं पिताजी, उन्होंने अब तक मुझे माध्यम बनाया। मैं भी कितनी मूर्ख थी जो ये समझ ही ना सकी। सब कुछ इतना स्पष्ट था फिर भी आपने अच्छा किया जो मेरी आंखें खोल दी। आज के बाद मैं उनके किसी भी बहकावे में नहीं आऊंगी। मैं भी देखती हूँ अब वो मेरे द्वारा आपको क्षति कैसे पहुंचाते हैं। ओ भाई, सत्ती जी है तो जिद्दी है, फिर जो ठान लेती है वो करती भी है। देखती है कैसे ये कर पाएंगे, क्योंकि ये तो नेचुरल सब कुछ हो रहा है। मैं एक महामंडल की बैठक बुलाना चाहता हूँ, परंतु उससे पहले महामंडल के कार्यक्रम और उसके उद्देश्य के बारे में देवराज इंद्र, चंद्रमा और सप्तऋषि से विचार विमर्श करना अत्यंत आवश्यक है। इनके साथ एक तत्कालीन बैठक आयोजित की जाए। वाह, वही फूल है ना, आई थिंक और ये भगवान शेर। ये क्यों यहाँ खड़े हैं? ये गहरी सोच में है परम भगवान की। इतनी भी बड़ा मन है ना। ओ पीछे से आई नहीं गन प्रेज। ओ ये तो मोटू पतलू वाली स्टोरी है, जिस तरह एक पतला होता है और एक मोटा होता है। इधर ये बड़े हो खत्म यार, मतलब कि सबकी शक्तियां फेल हो गई उस एक चावल के तिनके को उड़ाने के लिए। यानी कि उन्होंने कहा था कि जितना जोर लगाना है, जिस तरह पहले अग्नि आई उससे किया वो जल ही नहीं पाया, एक आए फिर उसके बाद पृथ्वी आई पृथ्वी निगल ही नहीं पाई, उसके बाद फिर ये हवा भी उसको उड़ा ही ना पाई क्योंकि उन्होंने दक्ष जी ने अपने हाथों से उसको पकड़ के वहां पे रखवाया था। कहता हूँ मेरी शक्ति को देखता हूँ कितनी अच्छी, सबको मैं दिखाऊंगा उनकी शक्तियां देख, मतलब कि हवा सब कुछ फेल हो गया। उनकी शक्ति क्या है कि वो कितनी पावरफुल होती है। वाकई में इस दुनिया के अंदर मैं कहता हूँ ये बंदा शक्तिशाली है। हाँ ना, लेकिन ये जितने कह रहे हैं ना, लेकिन महादेव जी के सामने तो ये कुछ भी नहीं। जिस तरह वो कह रही है कि यार खुर्रम तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। बात किनकी कर है, वो भगवान है, सारा संसार को वो बनाने वाले, सब कुछ करने वाले, ए टू जेड चीजें चलाने वाले हैं, वो भगवान है। चलो ये उनका ब्रह्मा देव जी का बेटा है, इसमें भी शक्तियां माना, लेकिन वो नहीं, लेकिन इसमें यार जिस तरह अगर ये विष्णु जी अगर चार हैं, जिस तरह उन्होंने बताया
और नरद जी हो गए, तो मैं कहता हूँ उनके सामने दक्ष जी की शक्तियां कुछ नहीं है बिल्कुल। यार जहरी बात है परम, अभी इनकी लेकिन दुनिया के अंदर जिस तरह उन्होंने शक्ति दुनिया बताई के है, अंदर तो शक्ति है ना, शक्तिशाली है ये दुनिया के अंदर, जब इनके सामने आवाज सब कुछ फेल हो गया तो मैं कहता हूँ कि फिर इनकी और कैसी कैसी शक्तियां होंगी। और दक्ष जी ने बोला ना कि यार ये देखो किस तरीके से तुम्हें उन्होंने वो करवाया, भ्रमत करवाया, मतलब वहां पे लेकर गए, फिर तुम्हें शिवलिंग रखने पे, फिर वो कहती है कि हाँ आंधा के पास जो है ना मैं नहीं हूँगी। लेकिन ये काफी सती जब जो ठान लेती है वो करती भी, लेकिन ये देखते हैं कि आखिर ये कर अभी कैसे। महामंडल भी बुला रहे हैं वो, जिसमें देवराज इंद्र होगा, चंद्रमा होगा और एक और का नाम बताया, देखो अब उनके साथ क्या करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, अब हम आगे देखते हैं आगे होता है क्या। इधर ये वीडियो खत्म करते हैं अपना, बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा।